खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे। रात के अंधेरे में ही सफेद बालों से लदी ट्रैक्टर ट्रालियां दौड़ने लगती हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक थाना टिकैत नगर अंतर्गत कोठरी गोरिया व लोढ़े मऊ घाट से शाम होते ही ट्रालियों की लाइन लग जाती है। रात से लेकर सुबह 7 बजे तक सफेद बालों से लदी ट्रालियां दौड़ती हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। सूत्रों की माने तो स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। इतना ही नहीं, थाना टिकैत नगर क्षेत्र घाघरा की तलहटी से जुड़ा होने के नाते सफेद बालू खनन का जखीरा माना जाता है। और तो और, पीपा पुल भी अवैध खनन माफियाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 11 बजे आवत है, कम हो सुबह कब आ जाए, चोरी करैया कब आना आ जाए। तो शहर दिन काल हम देखा है, बारू है बोधी बनी रहे, क्या जा कहा थे ना जा। ना नहीं कहा वैसी फसल हरा आ जाए 4 बजे तो से बहुत बारू बढ़ गए बोधी कह दिया कर नहीं पता तुम है कोई पूरा पड़ा ले जात है बोले बने का है यहाँ चद्दर बिछाहीन गवा है उसका कौन दिक्कत। वही टिकैत नगर के लोधपुरा गांव में 3 वर्ष से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण योगी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। ग्राम लोधपुरा पानी की निकासी न होने से RCC सड़क पर नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है। मजबूरन ग्रामीणों को उसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गंदे पानी में पनप रहे मच्छर व कीड़े से संक्रमण की आशंका बनी हुई है। कई बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला टिकैत नगर अंतर्गत लोधपुरा गाँव का है। बाराबंकी जनपद से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। मैं राधे श्याम यादव, मैं आज इस ग्राम लोधपुरवा में आया हूँ। ये हमारे ग्राम हड़ाहा का प्रवाह है। यहाँ पे देखे CC रोड पे पानी भरा हुआ है और आगे नाली निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूँगा सरकार से कि इस पे प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए नाली का पानी CC रोड से खाली करा करके कहीं गड्ढा में भरवाया जाए, मतलब लंबित करा करके पानी निकाल के पब्लिक को निजात दिलाई जाए, यही मेरी मांग है। मेरा नाम है रामदेव, लोधपुरवा निवासी पोस्ट हड़ाहा। यहाँ 3 साल से इस रोड पे पानी भरा हुआ है। प्रधान से कई बार शिकायत करी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कई लोग इससे बीमार भी हो चुके हैं, एक दो लोग मर भी चुके हैं इस बीमारी से।